नमस्कार, आप जय राज जी 24 कलाक आपनी साथे हो ख्याती गुजरात स्थापना दिवस से प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामना गुजरात की प्रजा पुरुषार्थ माटे जानीती छे। गुजरातीओए घणा क्षेत्रे आप्युं विशेष योगदान तेवुं पण पीएम कही रह्या छे। गुजरात सदैव सिद्धिओना शिखरो सर करे तेवी मनोकामना व्यक्त करी छे। आजे गुजरात नो स्थापना दिवस साहित्य गुजरात स्थापना दिवस तरीके सब कोई गुजरात तेने मनावशे। कोरोना की महामारी वच्चे तमाम घर में रहीने ज आजना दिवस की उजवणी करशे। त्यारे खास पीएमए पण गुजराती में जय जय गरवी गुजरात साथे ट्वीट करी गुजराती जनताए राज्यना स्थापना दिवस की खूब खूब शुभेच्छाओं पाठवी छे। गुजराती प्रजा पुरुषार्थ माटे जाणीती छे। गुजराती घणा बधा क्षेत्रों में विशेष योगदान आप्या छे। गुजरात सदैव आज प्रमाणे सिद्धिओ ने शिखरो सर करे तेवी मनोकामना व्यक्त करी छे। तो प्रधानमंत्री मोदी पण ट्वीट करी गुजरात दिवस की शुभकामनाओं पाठवी छे। पहली मे गुजरात स्थापना दिवस साहित्य में गुजरात स्थापना दिवस में जय जय गरवी गुजरात साथ ट्वीट करी वडा प्रधान गुजरात की जनता ने मनोमन सिद्धि प्राप्त थाय तेवी पण व्यक्त करी छे। અને હવે જોઈશું ફટાફટ ખબરો। ગુજરાત રાજ્યના આજે 60મો સ્થાપના દિવસ છે। પહેલી મે 1960ના રોજ ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના થઈ હતી। આજ દિવસે મહારાષ્ટ્રની પણ સ્થાપના થઈ હતી। દર વર્ષે ગુજરાત ગૌરવ દિવસ તરીકે આજનો દિવસ ઉજવાય છે। કોરોના સંકટ વચ્ચે સાર્વજનિક કાર્યક્રમો નહીં થાય, આજે ઉજવણી ઘરે બેસીને થશે। गुजरात स्थापना दिवस की पूर्व संध्या मुख्यमंत्री रूपाणी राज्य की जनता ने प्रजाजोग आप संदेश। सीएम ने कहूं आ वक्त कोरोना ना लड़ाई लड़वानी छे, घरे रहीने ज गुजरात स्थापना दिवस की उजवणी करवानी। सीएम रूपाणी महत्वनी जाहरात करी, राज्यना एपीएल कार्डधारकों ने विनामूल्य अनाज आपवानी करी बात। 7 मे थी 12 मे सुधी अनाज वितरण करवामां आवशे। सीएम रूपाणी वधुमां कहूं मां अमृतम अने वात्सल्य योजना अंतर्गत कोरोना टेस्ट नो खर्च सरकार भोगवशे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए गुजरातीओ ने संकल्प करवानी अपील करी छे। सीएम रूपाणी कह्युं विजय संकल्प साथे हेशटेग विजय संकल्प साथे सोशियल मीडिया में तमारी बात रजू करी संकल्प लेवानी अपील करो। हेशटेग विजय संकल्प लेनारमांथी केटलाक स्पर्धक ने इनाम अपाशे। राज्यना 5 लाख थी वधु सरकारी कर्मचारियों ने रूपाणी सरकार पूरो पगार चुकवशे। 4,97,000 पेन्शन धारकों पर 100% पेन्शन चुकवामां आवशे। उद्योग धंधा बंद होवाथी आवक घटी परंतु सरकार घरे बैठा कर्मचारियों ने पगार चुकवशे। केन्द्र सरकारे तमाम राज्यों मुख्य सचिवों ने 3 मे बाद की स्थिति अंगे तमाम जिल्लाओं की कामगीरी अंगे आपी सूचना। राज्यना तमाम जिल्लाओं ने रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन में वहेंचवामां आव्या। ગુજરાતના 9 જિલ્લા રેડ, 19 ઓરેન્જ અને 5 જિલ્લામાં ગ્રીન ઝોનનો સમાવેશ। રેડ ઝોનમાં આવેલા વિસ્તારો માટે કડક પગલાં લેવા આપી સૂચના। એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ પોઈન્ટ નિશ્ચિત કરવાના અપાયા આદેશ। લોકડાઉનને કારણે વડોદરા મહાનગરપાલિકાની આર્થિક સ્થિતિ કથળી રહી છે। વેરા અને ખર્ચની 49 કરોડની આવક ન થતાં સેનિટાઇઝેશનની કામગીરી અટકાવી દેવાઈ। મેન્ટેનન્સ અને લાઇટ બિલનો મહિને 80 કરોડનો ખર્ચ। આગામી સમયમાં કર્મચારીઓના પગાર માટે પણ મુશ્કેલી સર્જાય તેવી સ્થિતિ। બનાસકાંઠામાં આજે થરાદ માર્કેટયાર્ડ બંધ। માર્કેટયાર્ડમાં માલનો ભરાવો વધારે થતાં મજૂરો ન હોવાથી માર્કેટયાર્ડ બંધ। મજૂરો ન હોવાને કારણે ખેડૂતો જાતે જ માલ ઉતારવા બન્યા હતા મજબૂર। જામનગર આપા એપીએમસી ખાતે ટેકાના ભાવે ચણાની ખરીદી શરૂ। ગુજકો વાસુલ કરશે ખેડૂતો પાસેથી ચણાની ખરીદી। રૂપિયા 975ના ભાવે ખેડૂતો પાસે ખરીદી। મૂળ પોરબંદરના આફ્રિકામાં રહેતા ઉદ્યોગપતિ રિઝવાન આડતિયાનું અપહરણ। આફ્રિકાના મોઝમ્બિકના માપુટો પાસેથી થયું અપહરણ। કાર જંગલ જેવા વિસ્તારમાંથી રેડી મળી આવી। રાજકોટ જેતપુરના આમનગર રોડની ઘટના। નકલી પોલીસ બની તોડ કરતો એક શખ્સ પકડાયો। નિવૃત્ત એએસઆઈનો પુત્રએ નકલી પોલીસ બની કર્યો તોડ। સુપારી તમાકુના વેપારી પાસેથી 7,000 પડાવ્યા। જેતપુર પોલીસે ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી। પંચમહાલના ગોધરાના ગુહા મહોલ્લા વિસ્તારમાં પોલીસ પર પથ્થરમારાની ઘટનાને મામલે ગોધરા બી ડિવિઝન પોલીસ મથકે રાયોટિંગનો ગુનો નોંધાયો। 30 જેટલા ઇસમોને લોકો ટોળા સામે નોંધાયો ગુનો। જ્યાં પોલીસે કોમ્બિંગ કરી 10 જેટલા તોફાનીઓની કરી અટકાયત। પોલીસ અને આરએનબીની ટીમ પર કરાયો હતો હુમલો।
जामनगर में तमाकू बीड़ी गैरकायदेसर वेचाण करता शख्सों झड़पाया। बागवान तमाकू 200 नाना डबला सहित बॉडी बीड़ी जत्थो जप्त करायो। 50,000 मुद्दा माल साथ 3 शख्सों विरुद्ध जामनगर एसओजी टीमें करी कार्यवाही। दाहोद देवगढ़ बारिया सब जेल तालू तोड़ी 13 कैदियों थया फरार। मोड़ी रात्रे तमाम कैदियों फरार थता समग्र जिला पुलिस में दौड़धाम मची। सूरत में लॉकडाउन वच्चे आरोग्य केन्द्र पर फरज बजावती नर्से मात्र 3 व्यक्तियों की हाजरी में कर्या लग्न। दुल्हन ना माता पिताए वीडियो कॉन्फ्रेंस से आप्या आशीर्वाद। मोरबीना सिरामिक उद्योग ने सौथी मोटो झटको। साउदी अरेबिया चीनथी बमणी ड्यूटी भारत पर नाखी। जूनथी सिरामिक उद्योग पर लागशे 41.1% ड्यूटी। बनासकांठाना थराद मार्केट यार्ड में खेडूतों की हालत कफोड़ी। श्रमिकों न होवाने कारण जाते ज माल उतारवा बन्या मजबूर। साबरकांठाना तरबूजना खेडूतों ने नुकसान। लॉकडाउन ना कारण तैयार पाक खेतरमाज थई रह्यो छे खराब। खेडूतो चिंता में। खेडूतों ने खातर ने जंतुनाशक दवा पहुंचाड़वा कांग्रेस की मांग। विपक्ष नेता परेश दानाए मुख्यमंत्री ने पत्र लखी करी मांग। लॉकडाउन में खेडूतों ने खातर माटे पड़ी रही है हालाकी। विसावदरना धारासभ्य हर्षद रिबड़ियाए मुख्यमंत्री ने लख्यो पत्र। धंधा रोजगार माटे बहार थी आवेला श्रमिकों ने वतन परत पहुंचाड़वा करी रजूआत। सरकारी खर्चे वतन परत पहुंचाड़वा करी रजूआत। भावनगर सौराष्ट्र रावल जोगी समाजे राहत पैकेज की करी मांग। 12,000 थी वधु डाक डमरू कलाकारों छे बेरोजगार। मुख्यमंत्री ने लख्यो पत्र। कोरोना सामे लड़वा माटे कलाकारों नु गीत द्वारा अपील। लोग पॉजिटिव रही सके ते माटे फिल्म कलाकारों गीत बहार पाड़ी। अमेरिकाना रहवासी आवा दिवांगों ने बारे अंधजन मंडल में खाते आप्यु छे डोनेशन। डोनेशन माथे तैयार कराई किट करियाणु सहित मास्क अने सेनेटाइजिंग किटनु वितरण। दिव्यांगों ने करवामां आवी रह्यु छे किटनु वितरण। सूरत में 8वां पुलिस ने मानवता श्रेष्ठ उदाहरण पूरु पाड़ी। मुस्लिम बिरादरों ने खजूर और फ्रूट आपी रमजान महीना की शुभेच्छा पाठवी। मुस्लिम बिरादरों ने किट वहेंची तमाम ने लॉकडाउन नु पालन करवा माटे करी अपील। तो राजकोट में खोडलधाम ट्रस्ट करे छे अनाज की किट नू वितरण। जरूरियातमंद परिवारों ने आपवामां आवे छे राशन किट। विविध वोर्ड प्रमाणे टीम बनावीने कराय छे वितरण। मोरबी शहर में लॉकडाउन की अमलवारी और जागृति माटे नवतर अभिगम। सोशल डिस्टन्सिंग और मास्क पहेरवानी अपील माटे चित्रों नो सहारो। कच्छ में सीनियर सिटीजन्स की वारे पुलिस जरूरियात वाला काम माटे वृद्धों ने करी आपे छे एक सरकारी वाहन की व्यवस्था। बैंक सहित ना काम माटे पुलिस करी रही छे वृद्धों की मदद। राजकोट ना गोंडल में मावठू पड़ता मार्केट यार्ड में मगफली सहित पाकों ने जणसी पलड़ी गई। गत रोज गोंडल मार्केट यार्ड में रेकॉर्ड ब्रेक भाव बुलाया था। राजकोट में मावठाने कारण खेडूतों ने आर्थिक फटको पड़ो। मावठाने कारण पाक पलड़ी गयो। डूंगली मगफली शेरडी मकाई और तल ने व्यापक नुकसान। 7 तालुकाओं में 2,000 हेक्टर में मगफली ने थयो नुकसान। कणादर सरदारनगर जंगल विस्तार में मानवभक्षी दीपड़ो पुराया। पांजरे 2 दिवस पहला दीपड़ाए हुमला करता युवती थयु मृत्यु। वडोदरा में लक्षण विना कोरोना दर्द की संख्या वधी। एक्टिव 167 दर्द में 70 दर्द ने कोरोना लक्षण नहीं। राजकोट नाना मवा विस्तार में पान मावा मुद्दे हुमलो थयो। दुकान शटर पर तलवार ना घा झीक्या। सीसीटीवी ना आधारे हुमलो करनार 2 शख्सो सकंजामा। राजकोट ना कोठारिया रोड पर थी मळी आव्यो हेरोइन नो जत्थो। 33 ग्राम हेरोइन ना जत्था साथे पति पत्नी नी पोलीसे करी धरपकड़। राजकोट आरोग्य विभागे सावाकांठा विस्तारना रहेणाक मकान में दरोड़ा पाड्या। सुपारी तंबाकू मावाना तैयार पार्सल और 70 पैकेट सीगारेट नो जत्थो जप्त। मोरबी जिलाना वाकंदर तालुका में देशी दारू की भट्टी पर रेड। 5 चूला 5 गैसना बाटला सहित नो माल जप्त। स्थल पर 2025 लीटर देशी दारू नो आथो पण मळी आव्यो। राजकोट जारिया गामना 3 बुटलेगर की कराई धरपकड़। सूरत लिंबायत विस्तार में मोड़ी रात्रि युवक की हत्या। अंगत लड़ाई में चप्पू वड़े कराई हत्या। लिंबायत पुलिस गुनो दाखिल करी वधु तपास हाथ धरी। बनासकांठा थराद में तमाकू गुटखा गोडाउन में लाखों रूपया गुटखा थी थी चोरी। गोडाउन की बोरी बारे तोड़ी ने अजाण्य शख्सों करी चोरी।
कोडीनार रोड पर प्राची तीर्थ नजीक अजाणु ट्रक चालक 500 दारू दर की चलनी नोटो उड़ाड़ी भागी। पुलिस ने जाण थता पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। रोड पर नोटो लेनार महिला पास थी 500 ना दर की 6 नोटो जप्त। पुलिस ट्रक चालक की शोधखोल हाथ धरी। अमदावाद की 1200 बेड की कोविड स्पेशल होस्पिटल अंगे दरियापुर धारासभ्य ग्यासुद्दीन शेख नो गंभीर आरोप। सिविल में पॉजिटिव दर्द की साथ परिवारजन ने रखाता हो आक्षेप। बनासकांठा अंबाजी में ड्रोन कैमरा की मदद की लॉकडाउन की अमलवारी निरीक्षण करायू। अंबाजी में बजारों विविध सहित गलियों की अंदर सुमसान जोवा मळी। अंबाजी में लॉकडाउन की संपूर्ण अमलवारी जोवा मळी। बनासकांठा वड़गाम तालुका इस्लामपुरा में बे जूथ वच्चे मारामारी। दूध मंडली पास भेगा थे टोला ने आशा वर्कर जूथे रोकता मामलो गरमायो। जूथ अथड़ावण में बे लोगों ने इजा पहुंची वड़गाम पुलिस स्टेशन में फरियाद नोंधाई। वडोदरा करजण में पान तमाकू की होलसेल की दुकान में दरोड़ा। सीगारेट गुटखा मोटो जत्थो झड़पायो। करजण पुलिस वेपारी की करी धरपकड़। गुजरात में कोरोना कुल 4395 पॉजिटिव केस। राज्य में अत्यार सुधी में कोरोना 213 लोग मृत्यु थे तो 613 लोग कोरोना ने आपी हार। राज्य में 24 कलाक में कोरोना 313 नवा पॉजिटिव केस थे। अमदावाद में कोरोना नवा 249 केस नोंधाया। कोरोना ने कारण 17 लोग मृत्यु थे। 24 कलाक में 86 लोग कोरोना से स्वस्थ थे। अने समाचार तरफ आगळ वधी ते पहेला रोकाईए हाल एक ब्रेक माटे। हवे जोईए फटाफट खबरो। तो अमदावाद में कोरोना ने आंकड़ो 3000 ने पार। अमदावाद में कोरोना 3026 पॉजिटिव केस। त्यारबाद सूरत में 614 पॉजिटिव केस। वडोदरा में 282। राजकोट में 48 तो आणंद में 74 पॉजिटिव केस। राज्यना पाटनगर गांधीनगर में कोरोना 48 केस थे। पंचमहाल में 34, अरवली में 19, महिसागर में 11, बोटाद में 20, पाटण में 17, पंचमहाल में 34 और बनासकांठा में 28 पॉजिटिव केस थे। भारत में कोरोना केस की संख्या 34000 ने पार। कोरोना 1150 लोग कोरोना। महाराष्ट्र में कोरोना केस 10000 ने पार। विश्व में कोरोना 32,56,000 થી વધુ કેસ તો 2,30,000 થી વધુ લોકોના થયા મોત। અમેરિકામાં કોરોનાના કેસની સંખ્યા 10,69,000 ને પાર તો 62,000 થી વધુ લોકોના કોરોનાથી થયા મોત। સ્પેનમાં કોરોનાના 2,39,000 થી વધુ કેસ 24,000 થી વધુ લોકોના કોરોના સંક્રમણથી થયા મોત। इटाली में कोरोना केस की संख्या 2,00,000 ने पार। जारी 27,000 થી વધુ લોકોના અત્યારે સુધીમાં થયા છે મોત। फ्रांस में 1,66,000 થી વધુ લોકોને કોરોનાનું સંક્રમણ। જ્યારે 24,000 થી વધુ લોકોના મોત। चीन मामले डब्ल्यूएचओ वलण सामे अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप नाराज थया। ट्रंपे डब्ल्यूएचओ ने चीन हाथ की कठपुतली कही। डोनाल्ड ट्रंपे आक्षेप कर्यो कि डब्ल्यूएचओ अमने गुमराह कर्या। कोरोना अंगे अमदावाद माटे राहतना समाचार। शहर में केस डबलिंग रेट 9 दिवस नो थयो। डबलिंग रेट घटाड़वा माटे तंत्र ने मळी सफलता। अमदावाद ना दरियापुर में ट्रस्ट की खानगी हॉस्पिटल में कोविड सेंटर तैयार कराशे। आ खानगी हॉस्पिटल मफत सारवार आपशे। यूजीसीए राज्यों ने करी भलामण। जे राज्यों में कोरोना संकट ओछू होय तेवा राज्यों में जुलाई महीना परीक्षा लेवा भलामण। दरेक यूनिवर्सिटी में स्पेशल कोविड 19 सेल बनावा सूचना। गुजरात हाईकोर्ट नु उनाळु वेकेशन रद्द करायु। 10 मे थी शुरू थवानु हतु उनाळु वेकेशन। कोरोना ने कारणे घणा केसो पेंडिंग होवानी कराई हती रजूआत। गुजरात हाईकोर्टे एडवोकेट एसोसिएशन नी भलामण बाद निर्णय लीधो। राज्य सरकारे 16 नोडल ऑफिसरो ने परप्रांतियों ने परत मोकलवानी जवाबदारी सौंपी। 8 आईएएस 8 आईपीएस संकलन करीने लोकोनी परत लावा माटे व्यवस्था कराशे। वतन परत जनारा माटे 10-15 दिवस में ऑनलाइन पोर्टल तैयार करवामां आवशे। पोर्टल पर ऑनलाइन अरजी करवानी रहेशे। सूरतना कडोदरा विस्तार में कोरोना पहलो पॉजिटिव केस नोंधायो। पेरोल पर छूटेला हत्यानी आरोपी ने पत्नी ने कोरोना पॉजिटिव आव्यो। महिला ने अने तेना नाना बाळकोने सारवार माटे लई जवाया।
સુરતના ઉમરપાડા તાલુકામાં કોરોનાનો વધુ એક કેસ, બુટલેગર ભૂપેન્દ્ર ઉર્ફે ભૂપો વસાવાળા કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ. મહેસાણામાં કોરોનાના વધુ 3 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા. વડનગરના મૌલીપુરના 3 લોકોના રિપોર્ટ આવ્યા પોઝિટિવ. તમામને વડનગર મેડિકલ હોસ્પિટલ સારવાર અર્થે લઈ જવાયા. એન્ડ ડિવિઝન ઓફિસમાં ફરજ બજાવતા પોલીસ કોન્સ્ટેબલને કોરોના પોઝિટિવ. બુધવારે રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા. કુલ 8 લોકોને કરાયા ક્વોરન્ટાઇન. અમદાવાદ ગ્રામ્યના બારેજામાં વધુ એક પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો. અમદાવાદમાં ગ્રામ્યની અંદર આંક 33 પર પહોંચ્યો. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પીએસઆઈને લાગ્યો કોરોનાનો ચેપ. સંજય દેસાઈને લોકલ ટ્રાન્સમિશનથી કોરોનાનો ચેપ લાગ્યાની આશંકા. ગાંધીનગરમાં વધુ 4 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા. સેક્ટર 2B માં 2 કેસ, જ્યારે સેક્ટર 3C અને સેક્ટર 24માં 1-1 કેસ નોંધાયા. દહેગામ તાલુકાના નાંદોલ ગામમાં 1 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો. કલોલમાં 1 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો. કલોલના 38 વર્ષીય અને નાંદોલની 44 વર્ષીય મહિલાનો રિપોર્ટ આવ્યો પોઝિટિવ. અરવલ્લીમાં કોરોનાનો વધુ એક કેસ પોઝિટિવ. બાયરના તેનપુર ગામમાં 25 વર્ષીય યુવાને કોરોના 7 દિવસ બાદ કોરોનાનો કેસ નોંધાયો. સુરતના ધામરોડ વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યામાં પરપ્રાંતિઓ ઉમટી પડ્યા. રાજસ્થાન, ઉત્તરપ્રદેશ અને મધ્યપ્રદેશ, બિહાર અને ઓડિશા સહિતના રાજ્યોમાં જવા માટે પાસની અને આરોગ્યની ચકાસણી કરાઈ. અમદાવાદમાં 40 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી. એસવીપી હોસ્પિટલમાંથી એકસાથે 40 દર્દીઓને રજા આપવામાં આવી. 40 દર્દીઓ કોરોના સામેની લડાઈ જીતી. વડોદરાના ડભોઈમાં 3 દર્દીએ કોરોનાને આપી માત. કાયાવરણ ગામની પીએચસીમાં કામ કરતી નર્સને થયો હતો કોરોના પોઝિટિવ. મહિલા દર્દીને 7 દિવસની સારવાર બાદ રજા અપાઈ. ગામના લોકોએ ફૂલહાર અને તાળીઓથી મહિલાનું સ્વાગત કર્યું. નવસારીના અંબાડાની યુવતીએ કોરોનાને આપી માત. અંબાડાના ડોક્ટર નિહલ સાંકડીયાને કોરોના રિપોર્ટ નેગેટિવ આવતા તેને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી. યુવતીને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપતા જ હોસ્પિટલના સ્ટાફે તાળીઓથી તેમને વધાવ્યા. ભરૂચ જિલ્લામાં કોરોના વાયરસના વધુ 5 દર્દી સ્વસ્થ થયા. તાળીઓના ગડગડાટ સાથે તેમને રજા આપવામાં આવી. બનાસકાંઠામાં કોરોનાના 3 દર્દી સ્વસ્થ થતા આપવામાં આવી રજા. સિવિલ હોસ્પિટલના મેડિકલ સ્ટાફે 3 બાળકોને ચોકલેટ આપી કર્યા વિદાય. સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું. વધુ સમાચાર ની અપડેટ માટે જોડાયેલા રહો ઝી 24 કલાક સાથે. અમારી આપની અપીલ છે, ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો.